हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं प्रियांक सौरभ वही पटना के रिजेंट डॉल्बी में पहुंचा हूं, जहां पे जैसा कि आपको पता है कि देश भर में आज बहुत ही मोस्ट अवेटेड मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई है। और इस मूवी को लेकर हमारे बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हम आज करेंगे कुछ फिल्म देख के निकलने वाले कुछ दर्शकों से। जी आप बताएं, आपको कैसा लगा ये मूवी? ये मूवी पूरी तरह से मनमोहन सिंह की क्या खासियत थी, मनमोहन सिंह देश के विकास एवं उन्नति के लिए जितना प्रयासरत थे, लेकिन एक परिवार के वजह से वो अपनी सीमाओं में बंद कर रह गए थे। अगर उन्हें परिवार के दायरे में नहीं रहते तो देश आज जो विकास मोदी जी कर रहे पिछले 4.5 साल से, उससे कई गुना विकास वो कर चुके होते। यूपीए 1 में ही न्यूक्लियर डील हो गया होता, लेकिन एक परिवार के वजह से ये डील नहीं हो पाई। और इस मूवी में बहुत अच्छा संजय बारू जी का किरदार है। संजय बारू जी ने मनमोहन सिंह के काफ़ी करीबी रहे हैं और मनमोहन सिंह को काफ़ी हद तक देखते गए हैं, लेकिन अंतिम में जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखा उन्होंने, तो उसके बाद संजय बारू और मनमोहन सिंह में आज तक मुलाकात नहीं हुई, इसी पर फिल्म की समाप्ति हो गई। सर, आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे, आप भी मूवी देख के निकल रहे हैं, आपको, आपने भी मतलब मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा है, और उस मूवी में और इस मूवी में और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आपको क्या समानता दिखी, क्या दिखाना चाह रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में? कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा, तो क्या इस मूवी का फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को होने वाला है? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दर्शक हमसे बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप अभी मूवी देख के निकल रहे हैं जी। आप बताइए कि ये जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी है, तो इसमें आपको सबसे बेहतर काम किसका लगा, प्रधानमंत्री का या सर संजय बारू? अनुपम खेर, अनुपम खेर का जी। अच्छा, तो अनुपम खेर के बारे में आप, ये मूवी में एकदम पूरा मनमोहन सिंह के किरदार के रूप में वो किस तरह से, मतलब आप पहचान नहीं पाएंगे, मतलब बस फेस कटिंग का बात अगर छोड़ दें तो अच्छा। पूरा कैरेक्टर चलने का स्टाइल और बात करने का तरीका, बाकी कहानी में क्या सच्चाई हो तो संजय बारू जानेंगे, हम लोग जो देखे, लेकिन कैरेक्टर मनमोहन सिंह का एग्जैक्ट है, जितना हम लोग मनमोहन सिंह जानते हैं उतना ही मूवी दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम पटना में मूवी रिव्यू ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे दर्शक यहाँ पे पहुँचे हैं। जी आप एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए आप पहुंचे हैं? नहीं, मैं उड़ी देखने आया। अच्छा, उड़ी देखने के लिए। उड़ी के लेकर भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, भारत का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है उड़ी। उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक है उस पर बनी फिल्म है, उड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? उरी में एक दिन 1919 हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को मार दिया गया था, उसी का बदला हमारे बहुत खूब लिया अजीत डोभाल और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वही मैं देखने आया हूँ। तो प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी बहुत अच्छी पिक्चर है, उसका मुझे टिकट नहीं मिला, नहीं तो मैं वो भी देखता। मुझे न्यूक्लियर डील के बारे में जानना था, कैसे हमारे मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पे लगा के न्यूक्लियर डील का। आपका नाम क्या? सिद्धार्थ वालिया, आप पटना से? यस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में और पटना के युवा उड़ी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रति काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बार बाइक दिखा दे लेते हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ कॉलेज के युवाओं से जो यहाँ पे मूवी देखने के लिए पहुंचे हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन सी मूवी देखने के लिए पहुंचे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक यानी उड़ी के लिए आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या जानते हैं? अभी तक तो मूवी हम लोगों ने देखी नहीं है। आज बहुत ही एक संयोग की बात है कि देश के मुद्दे से जुड़े हुए दो चीज, एक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी रिलीज हुआ और दूसरी तरफ उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित मूवी है वो भी रिलीज हुआ। ये दोनों मूवी आज एक साथ रिलीज हुई है और दोनों को लेकर दर्शकों में प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के दर्शकों से हमने बातचीत की और उड़ी के दर्शक अभी मूवी देखने के लिए पहुंचे हैं। आप कौन सा मूवी आप देख चुके हैं देखने के लिए पहुंचे? सर, मेरा तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपने देखा? सर, ये बुक पहले हम पढ़े हैं 2014 में, मई में जब ये रिलीज हुआ था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। अच्छा, तब पढ़े थे और बस आज इसको देखने आए थे कि बुक और इसका रिलेवेंट कितना है। आपने मूवी देखा या नहीं देखा? अभी देख के उतरे हैं। अच्छा, देख के उतरे। तो एक चीज मैंने जहाँ इसमें देखा है कि एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर में एक किरदार पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार के बारे में आपको बता दूँ कि वह एक चाय वाले ने निभाया है उनका। अच्छा, ये मुझे नहीं पता जी। नहीं, ये अंदर की जानकारी है, निर्माताओं से मालूम चला। सर, आप मीडिया में हैं जी,
ठीक है, आपके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगा ही होगा। राम अवतार भारद्वाज नाम के एक चाय वाले दुकानदार से जब पिटा कराया गया तो कैसा लगा उनका एक्टिंग? सही है भैया, सही है। 5 मिनट का लमसम एक्टिंग होगा, बट इट डिड अ सुपर एक्टिंग। कुछ ज्यादा वर्बल एक्शन नहीं था, ठीक है, इट वॉज अ नम एक्शन, मतलब बिहार में यह मूवी चलेगी, देश भर में चलेगी? सर सिंपल सा बात है, ये मूवी शाहरुख खान मूवी नहीं है जो 250 करोड़ 300 करोड़ लेगा। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा सर लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए, मतलब रेटिंग्स नहीं आया लेकिन पैसा तो साइड से आया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लडी मनी। ये मूवी मनी नहीं बनाएगा उस कंपैरिजन में जो बनता है, मतलब मूवी इज बेसिकली अ मनी, ठीक है। गारंटी ये भी हो सकता है ये मूवी फ्लॉप हो जाए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स, बजट वो अपना रिकवर नहीं कर पाए जो मन लगा। बट इवन दो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी पब्लिक है एटलीस्ट एक देखना चाहिए कि इंडिया में उस टाइम में हुआ क्या था। बुक तो मैंने भी पढ़ा है, आई वॉज मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी उस टाइम में था, मतलब आई एम बॉर्न ऑफ 1989, तो अगर 2014 इलेक्शन से पहले तो मैं था ही, मतलब आई वॉज इन दिस अर्थ। तो लेकिन सेंस नहीं था ना उस समय क्या चल रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि नहीं भाई उस समय क्या हुआ था। 2019 में लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है क्या? सर गारंटी नहीं दे सकते हैं सर, आई एम बिट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, अब छोड़ चुका हूँ। चलिए, तो जैसा कि आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राजीव है, आई यूज टू बी स्पोर्ट पर्सन, अब तो मतलब पॉलिटिक्स में भी था, मतलब आई गॉट मतलब 20-30 बिजनेस में यार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राजीव जी से हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही दिलचस्प तरीके से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बहुत ही बेहद जानकारी दिया, उन्होंने बताया कि वो या उन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बाड़ू की किताब को उन्होंने पढ़ा भी है और उसके बाद उन्होंने आज उस मूवी को भी देखा है। और आपने उरी के बारे में जाना, उम्मीद करते हैं हमारा यह मूवी रिव्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियांक सौरभ, बिहारी न्यूज़ से।